मूडीज के अंडर वॉच में रेटिंग डालने के बाद स्टॉक में 2% का दबाव है। विप्रो, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी से कुछ और लूजर्स हैं आज के सेशन के। समीर चौहान हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे फटाफट से इंडिया सीमेंट पर राय लेते हैं और उसके बाद बाकी स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। इंडिया सीमेंट पर एक व्यू दीजिए, रिजल्ट अच्छे आए हैं, रिजल्ट के बाद स्टॉक चला भी है, अभी के लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? डे हाई पर कारोबार कर रहे भी है। देखिए दीपाली, रिसेंटली अपने सीमेंट स्टॉक्स में काफी ज्यादा करेक्शन देखा था दोनों, उसमें से इंडिया सीमेंट एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। 220 से हम लगातार ये स्टॉक में लास्ट 10-12 महीनों से करेक्शन देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं 80 के आसपास इसको एक मंथली चार्ट पे एक अच्छा सपोर्ट था, तो वहां से स्टॉक ने एक अच्छा बेस बना है और हम थोड़ी रिकवरी मोड में देख रहे हैं, तो ये रिकवरी और कंटिन्यू हो सकती है जिसमें ये स्टॉक 105-107 तक एक रुख उसका कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये रहे जैसे उन पर। निफ्टी पर क्या आउटलुक है अभी के लिए समीर? देखिए हम ये रिलीफ रैली हम देख रहे हैं जो 10,000 से स्टार्ट हुई है, हालांकि लास्ट 3-4 दिनों से जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कहीं ना कहीं हम लॉस होते हुए देख रहे हैं, बट हमें लगता है कि स्लोली ग्रेजुअली एक बार 10,700 10,800 का जो पड़ाव है वो एक बार निफ्टी छू सकता है, तो फिलहाल के लिए पॉजिटिव बाय से ट्रेड कीजिए, मगर 10,700 10,800 के अगर लेवल होते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ये राय है निफ्टी पर आज के सेशन के लिए। सरकारी बैंक इनमें दमदार तेजी बनी है आज के सेशन में, और देखिए आज का स्टॉक ऑफ द डे बैंक ऑफ इंडिया अब 93 के लेवल्स पर ट्रेड कर 7.5% के जोरदार उछाल के साथ 89 के भाव पर था ये जब आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन स्ट्राइड्स फार्मा इस पर एक फटाफट से राय दे दीजिए आप समीर। आज ये खबरों में है यूएस में इन्होंने माइग्रेन की दवा के लिए कंपनी से करार किया है और स्टॉक अब 9% ऊपर आ चुका है, मुनाफा समेट ले तेजी वाले ट्रेडर्स या फिर अभी भी होल्ड रखें? देखिए ये स्टॉक भी अच्छा खासा करेक्ट हो गया था, एक कंसोलिडेशन फेज में था और 450 का इसका एक मेजर रेजिस्टेंस हमने रिसेंटली आते हुए देखा था, बट आज ये स्टॉक ने जो मूव आई हुए उसके चलते 450 का लेवल है वो कन्विंसिंगली ब्रेक किया है। वॉल्यूम एक्टिविटी अगर हम देखें तो उसके औसत वॉल्यूम से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। तो यहां से कंसोलिडेशन से ब्रेक होने के बाद स्टॉक में वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आ रहा है, तो ये और एक्सटेंड होगा तो हमें लगता है कि 490-500 के लेवल स्ट्राइड फार्मा में आपको बहुत जल्दी दिख सकते हैं, तो यहां से पॉजिटिव बाय से ट्रेड कीजिए अगर है आपके पास तो बने रहिए, और अगर आपको लॉन्ग जाना है तो माइनर डिप अगर 455 के आसपास वापस आती है तो वो एक लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, तो ये राय है स्ट्राइड फार्मा पर जहां पर 9% का जोरदार उछाल है। कुछ कैश मार्केट के स्टॉक्स देखिए, कैमलिन फाइन साइंसेज रिजल्ट के बाद 9% दौड़ गया आज के सत्र में, ये स्टॉक 61 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ये 10% ऊपर है ही, आज का स्टॉक ऑफ द डे भी था। बीएफ इन्वेस्टमेंट को देखिए, यहां भी आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हो रही है बाइंग और स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है 274 के लेवल्स पर, तो अच्छी तेजी स्टॉक में भी आज के सेशन में बनती हुई दिखी है। एक गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क है जो सुबह से मजबूत है, अभी भी 6% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। लेकिन वायदा के अगर हम कुछ स्टॉक्स देखें जहां पर मोमेंटम आज तेजी की तरफ बनता हुआ दिखा है, उसमें स्ट्राइड, सारसून, सरकारी बैंक तो है ही। एक राय इनफैक्ट एसआरएफ पर ले लेते हैं, सुबह भी स्टॉक का हमने जिक्र किया था। एसआरएफ पर बताइए, 19% इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, स्टॉक 3.5% मजबूत है, तेजी वाले ट्रेडर्स अभी भी बने रहे हैं स्टॉक में? इसमें लॉन्ग्स काफी ऐड हो रहे हैं और वॉल्यूम अगर हम कैश सेगमेंट में देखें तो वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। स्टॉक ने लो लेवल से अच्छी रिकवरी दी है और जो उसके रीसेंट हाई से 2100 उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आज का क्लोज काफी क्रूशल होगा ये स्टॉक के लिए। अगर 2100 का लेवल या आज ये क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन कर पाता है तो आपको आज वीकली क्लोज भी मिलेगा जो एक पॉजिटिव साइन आने वाले कुछ वीक्स के लिए इंडिकेट कर सकता है, तो यहां पे फिलहाल तो पॉजिटिव बाय से ट्रेड कीजिए। अगर 2100 के ऊपर आज क्लोज देता है फिर आपको नेक्स्ट टारगेट ये स्टॉक में 2240 से लेकर 2280 करेंगे। ठीक है, लेकिन आप रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, टाइटन के आज रिजल्ट्स आने हैं और लेते हैं समीर अपना व्यू दीजिए टाइटन पर। देखिए टाइटन में अगर हम देखें तो लास्ट 3-4 वीक्स में स्टॉक ने 750 के आसपास 20 बना के अच्छी रिकवरी दी थी, लास्ट 3-4 दिनों से वापस ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, बट कंसोलिडेट उसके डेली 89 ईएमए के ऊपर ही हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है और आज ये स्टॉक में हम अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो ये और कंटिन्यू हो सकता है, तो यहां पे आपको 890-910 के लेवल टाइटन में आने वाले कुछ दिनों में दिख सकते हैं, तो अगर आपके पास लॉन्ग्स है तो ये स्टॉक में फिलहाल तो बने रहिए, 842 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, लेकिन जो नतीजे आएंगे उसमें कोल इंडिया और आयुष मोटर शामिल है। समित चौहान इस बीच में साथ जुड़ चुके हैं। समित, आज तो मार्केट एक पूरी तरह से रेंज में है,
ये आज का दायरा क्या बनता है? सोमवार को तो देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स में कुछ और उथल पुथल ना हो इस बीच, आज का कुल मिला के क्लोजिंग तक का दायरा क्या है? देखिए डिम्पी, इनफैक्ट हमने अच्छी रिकवरी देखने के बाद ये पूरा वीक हम देखें तो मार्केट में कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट लो वॉल्यूम से ट्रेड हो रहा है, जैसे आपने भी यहां पे बताया था। मोमेंटम क्लियरली लैकिंग है, आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करना है। अगर निफ्टी की बात करें 10,540 सपोर्ट हम मान के चल रहे थे, और आज का अगर हम लो देखें तो 10,544 के आसपास ही है, वहीं से रिकवरी भी है। तो 10,540 एक अच्छा सपोर्ट बना है, अगर किसी के लॉन्ग्स है तो वहां पे स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। ऊपर की तरफ 10,620 एक रेजिस्टेंस बन गया, ये लेवल जैसे ही हम पार करते हैं, क्योंकि ये मोरट ट्रेडिंग के दिन का भी आसपास का एक हाई था और आज का भी हाई उसके आसपास ही है, तो 620 का लेवल जैसे ही क्रॉस होता है तो हम एक बार फिर 10,700 का जो दायरा है एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास रुक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार समित के पास वापस चलते हैं। जरा बैंक निफ्टी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ऑलरेडी वो भी बैंक निफ्टी को काफी अच्छा ट्रैक करते हैं। समित, बैंक निफ्टी पे क्या करें? देखिए बैंक निफ्टी भी क्लियरली सब्ड्यूड है, बट इसमें यू नो आज हमने पीएसयू बैंक्स में अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो उसके चलते बैंक निफ्टी में हमने एक लो लेवल से अच्छी खासी खरीदारी आते हुए देखी है। यहां पे बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो लास्ट चार पांच दिनों के अगर हम हाईस देखें तो 25,860 से लेकर 25,900 के रेंज में इसमें लास्ट चार पांच दिनों से एक रेजिस्टेंस बन गया, ये लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बट एट द सेम टाइम लोअर एंड पे देखिए तो 25,500 का एक सपोर्ट बन गया, तो हमें लगता है कि 350-400 पॉइंट का एक दायरा बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल तो बना हुआ है। आइदर साइड में ब्रेकआउट आता है तो आपको एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है, बट हमें लगता है कि इसमें ऊपर की तरफ आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, और फिर बैंक निफ्टी रुक करेगा 26,100 से लेकर 26,250 के आसपास। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को लेकर रिकमेंडेशन आपके सामने है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर वैसे तो कोई बड़ा ट्रेड लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको राय और आपको दायरा वो हम बता जरूर रहे हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के जरिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई वो देखेंगे। सुनो सुनो तो